बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। वहीं अब जन आशीर्वाद यात्रा छतरपुर पहुंची। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत किया है। कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, टीकमगढ़ की पूर्व विधायक के श्रीवास्तव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं से आमजन को लाभ मिला है। साथ ही मीडिया से चर्चा करते हुए प्रभात झा ने कहा कि मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा में अलग अलग तरह का वातावरण स्थापित हो रहा है। उन्होंने भी वहां मंदिर बनाया, लेकिन उनको इंडिया में जो उनकी पार्टी है उसे स्टालिन के बेटे का विरोध करना चाहिए। कमल नाथ जी को हम सनातन उत्तम मानेंगे जब उसका अगर दूसरा एक तरफ आपने किसे कहा है चित्र नहीं चिन्ह देखी ये सारा किसकी तरफ है पोस्टर में सभी लोग आते हैं। देखिए हम तो सब जगह कह रहे हैं कि कमल का फूल देखिए चिन्ह देखिए व्यक्ति नहीं लड़ता हमारे यहाँ, चुनाव हमारी विचारधारा का है, कमल का फूल लड़ता है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि हम 150 के कम से सीटें लाएंगे, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, कैसे संभव है? कांग्रेस को देखिए।